अच्छा जी, ASA क्लस्टरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तकरीबन वैसे ही हैं, मस्ट बी द सेम मॉडल विद सेम रैम, यू डू नॉट हैव टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ फ्लैश मेमोरी, यहाँ पर इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम फेलओवर, मस्ट रन द आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ एन इमेज अपग्रेड, अगर आप इमेज अपग्रेड कर रहे हैं तो ये आपको अलाउ करता है कि आप एक यूनिट का अपग्रेड कर लें, बाद में दूसरे का कर लें, फिर तीसरे का कर लें। अगर आप सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट चला रहे हैं तो दोनों या सब के सब यूनिट्स जितने भी हैं आपके क्लस्टर में वो सिंगल में होंगे या मल्टीपल में होंगे, मोड शुड बी सेम, ये नहीं हो सकता कि कुछ यूनिट सिंगल मोड में हो और कुछ कॉन्टेक्स्ट वाले मोड में हो। एंड सेम गोज फॉर अगर आप सिंगल कॉन्टेक्स्ट मोड में हैं तो फायरवॉल का जो डेटा प्लेन है अगर वो रूटेड है तो सबका रूटेड है, अगर ट्रांसपेरेंट है तो सबका ट्रांसपेरेंट है। और हमें इसके लिए क्लस्टरिंग का लाइसेंस भी चाहिए, विच शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर ASA बिकॉज दिस इज अ प्रीमियम फीचर। ASA यूनिट के रोल्स, वन मेंबर ऑफ द क्लस्टर इज कॉल्ड मास्टर यूनिट, हमने अभी बात की इस पे, विच इज डिटरमिन्ड बाय द प्रायोरिटी नंबर बिटवीन 1 to 100 वेयर 1 इज द हाईएस्ट, ये स्विचिंग की तरह है, लोअर द प्रायोरिटी मोस्ट ट्रस्टवर्दी द स्विच, तो बिल्कुल उसी तरह ASA में जिसकी भी प्रायोरिटी वैल्यू में कम नंबर रखा जाएगा वो एलिजिबल हो जाएगा मास्टर यूनिट बनने का, तो ये प्रायोरिटी गवर्न्ड है। बाकी तमाम यूनिट्स जो हैं वो सारे के सारे स्लेव यूनिट्स गिने जाएंगे, एंड इफ द मास्टर यूनिट गोज डाउन सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आफ्टर 1 विच इज 2 फॉर एग्जाम्पल, वो स्लेव यूनिट मास्टर का रोल ले लेगा। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज रेप्लिकेटेड और मिरर्ड फ्रॉम द मास्टर यूनिट टू स्लेव यूनिट्स, सो जो भी आपका मास्टर यूनिट है सारी कॉन्फ़िगरेशन बस उसी पर होगी और उससे वो कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होगी बाकी के तमाम यूनिट्स की तरफ। तो ये है जो कॉन्फ़िगरेशन प्लेन है उस हवाले से बात, और डेटा प्लेन के हवाले से क्या बातचीत है वो अब हम करने जा रहे हैं कि डेटा प्लेन किस तरह हैंडल होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास 3 ASAs हैं, A1, A2 और A3, और इनके इंटरफेसेस समहाउ कॉमन ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में, इन पर हम अभी गुफ्तगू करते हैं मजीद। सो वी नीड टू हैव अ क्लस्टर कंट्रोल लिंक जो कि इन तमाम ASAs से निकलेगा, और वो डेजी चेन नहीं होगा बल्कि वो एक वीलैन का हिस्सा बनेगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ अ वीलैन। दिस इज योर क्लस्टर कंट्रोल लिंक, वी कैन नॉट डू डेजी चेनिंग, यानी ये नहीं है कि यहां से इसमें आएंगे फिर यहां से इसमें आ जाएंगे फिर यहां से इसमें आ जाएंगे, जिस तरह टिपिकल आप स्विचेस को स्टैक करते हैं, दिस इज नॉट लाइक दैट। इसमें जो आपके फायरवॉल के इंटरफेसेस हैं उनमें से किसी भी इंटरफेस को आप पकड़ के कॉमन वीलैन में लाके और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि दैट इज गोइंग टू बी आवर क्लस्टर कंट्रोल लिंक। सो इस सिनेरियो में अगर ये हमारा यूनिट मास्टर है तो आपने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो मास्टर यूनिट में करनी है, एंड थ्रू मास्टर इट विल रेप्लिकेट टू ऑल अदर यूनिट्स। सो फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कॉन्फ़िग पुश करते हैं तो वो कॉन्फ़िग इस रास्ते से इन तमाम यूनिट्स के साथ सिंक हो जाएगी, और यही वो क्लस्टर कंट्रोल लिंक है जिससे ये तमाम यूनिट्स एक दूसरे पर नजर भी रखेंगे कि कौन क्लस्टर के अंदर अलाइव है और कौन क्लस्टर के अंदर डेड हो चुका है। सो द फर्स्ट यूनिट इज कंसिडर्ड एज मास्टर एंड द अदर यूनिट्स विल बी कंसिडर्ड एज स्लेव यूनिट्स, एंड वी कैन हैव वन मास्टर एंड अप टू 15 स्लेव्स इन अ क्लस्टर। अच्छा जी, ये तो रही बात इसकी कंट्रोल प्लेन की कि उसमें एक सी क्लस्टर कंट्रोल लिंक आएगा और वो एक वीलैन है और वहां पे हमें किसी इंटरफेस को केबल करना है। सो कदा नजर इसके बाकी जो हिस्सा है हमारा वो डेटा प्लेन का है। अब डेटा प्लेन में ट्रैफिक की प्रोसेसिंग किस तरह से होती है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अब ये है
कि ये जो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका डेटा प्लेन कैसे वर्क करता है, बिकॉज इसका डेटा प्लेन थोड़ा कंपेयर टू फेल ओवर जो है वो डिफरेंट है, बल्कि खासा डिफरेंट है, और उसी में सारी ब्यूटी है इस क्लस्टरिंग की। अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन तो हमें फेलओवर में भी मिल गई कि हम एक यूनिट में कॉन्फ़िगर करते थे तो दूसरे में भी हो जाती थी। मार्स से वाई के वहां पे सिर्फ दो हो सकते थे, यहाँ ज्यादा हो सकते हैं। अब डेटा प्लेन कैसे वर्क करेगा, देखिए इन तीन यूनिट्स की मिसाल जिसको हम लेकर चल रहे हैं, इनमें तीन यूनिट्स में किसी ना किसी यूनिट को एक रोल मिलेगा, और वो रोल मिलेगा तीन ऑप्शंस में से एक। वो तीन ऑप्शंस क्या हैं? एक हमारे पास ऑप्शन है जी ओनर की, ये रोल है जो हमारे इन यूनिट्स को मिलने हैं, ओनर, डायरेक्टर और फॉरवर्डर। ये तीन रोल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि जी ये शख्स जो है ये ओनर है, ये शख्स जो है ये डायरेक्टर है, और ये जो शख्स है ये फॉरवर्डर है, तो ये जो ओनर, डायरेक्टर और फॉरवर्डर का जो कॉन्सेप्ट है, इसका इसको समझना बिल्कुल अलग से है। हमने इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना मास्टर और स्लेव के साथ। मास्टर और स्लेव एक अलग चीज है और ओनर, डायरेक्टर, फॉरवर्डर एक अलग चीज है। मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट यही है कि जो यूनिट मास्टर बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन उससे करनी है और वो स्लेव सिंक्रोनाइज होंगे उससे, दैट इज इट। डेटा प्लेन के हवाले से सोचा जाए तो ओनर, डायरेक्टर और फॉरवर्डर होते हैं। Now, who is owner, who is director, who is forwarder? For example, आपने एक PC से connection initiate किया और वो connection आपका ASA1 से गुजरा। अब वो ASA1 से ही क्यों गुजरा first time? वो ASA2 से क्यों नहीं गुजरा? वो ASA3 से क्यों नहीं गुजरा? ये बात हम अभी करते हैं कि वो ASA1 के घर में enter कौन कराएगा? अभी assume कीजिए कि ASA1 में आ गया। तो जैसे ही सेन ASA1 में से गुजरेगी, ASA1 इस जो जो कनेक्शन इसमें से आउटबाउंड गया है, इस कनेक्शन को अपने पास क्रिएट कर लेगा कि ये कनेक्शन अब इसके टेबल में बन गया है। अच्छा, अब ये ट्रैफिक बाहर गई, जाहिर है ये किसी एक्सटर्नल PC तक टारगेटेड थी। दिस इज आवर लेट्स से सर्वर या टारगेट जिसको हमने हिट किया है। इससे रिप्लाई वापस आया है और वो समझिए कि रिप्लाई इधर आ गया। हो सकता है ये रिप्लाई ASA3 को दे दे। ASA3 को जब ये रिप्लाई आएगा सिन और एक के साथ, तो ASA3 को तो ये नहीं पता कि ये कनेक्शन कौन है और क्या है, क्योंकि इसमें से तो कभी गुजरा ही नहीं है ये। तो ये तो इसको सिंपली ड्रॉप कर सकता है फिर, क्योंकि ये लो टू हाई आने की कोशिश कर रहा है और ASA का अडैप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिथम लो टू हाई तो आने नहीं देता किसी को। ये साइट समझिए 0 सिक्योरिटी लेवल है और ये 100 सिक्योरिटी लेवल है। सो इस एसिमेट्रिकनेस में जो ट्रैफिक रिस्पांस में ASA3 के पास आ गई, हो सकता है ये आ जाए, कैसे आएगी वी विल टॉक अबाउट दैट। तो ASA3 तो सिंपली डिस्कार्ड कर देगा, उसको तो पता ही नहीं है कि ये कनेक्शन कौन है, कहाँ से आए, ये तो लो टू हाई समझ के फारिग कर देगा उसे। अब ये किस तरह हैंडल होगा? अगर ये हैंडल हो जाएगा तभी तो हम इसको क्लस्टर बोलेंगे, अदरवाइज तो ये क्लस्टर नहीं है, फिर तो ये इंडिपेंडेंट लोग है। अब हैंडल कैसे होगा वो देखिए। फर्स्ट टाइम जब सिन जाती है तो ASA जो है उस सिन के साथ एक सिन कुकी सेंड करता है। इस पर हम बात बहुत शुरू में कर चुके हैं कि जो सेन पैकेट आप इंटरनली सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ASA ठहरा हुआ है, तो ASA से दाखिल होकर जो ट्रैफिक निकलती है उसका जो सीक्वेंस नंबर है उसको रैंडमाइज कर दिया जाता है। अंदर का सीक्वेंस नंबर और बाहर का सीक्वेंस नंबर डिफरेंट कर दिया जाता है, रैंडम हो जाता है, उसको हम सेन कुकी कहते हैं। तो एक सेन कुकी सेंड किया गया। अब
जो रिस्पांस वापस आता है टारगेट से, जाहिर है वो उस सिन कुकी के अगेंस्ट आता है, जो सिन एक आएगी वो अगेंस्ट दैट कुकी आएगी। तो उस सिन कुकी की जो रिस्पांस ट्रैफिक है, वो जो ASA 3 पर आई है, इसकी इंफॉर्मेशन इसको थ्रू द क्लस्टर कंट्रोल लिंक आ गई होगी, इसका इसको पता होगा सिन कुकी का। लिहाजा ये सिन कुकी की बेस पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ASA 3 जो है वो इस पैकेट को वापस मोड़ देगा वाया क्लस्टर कंट्रोल लिंक टूवर्ड्स ASA 1। अब देखिए जो डेटा ट्रैफिक थी वो गई A1 के डेटा प्लेन इंटरफेस से, वापस आई A3 के डेटा प्लेन इंटरफेस पे, उसने महसूस किया सिन कुकी से वेरी फर्स्ट टाइम कि ये मेरी ट्रैफिक नहीं है, मुझे इसको ASA 1 को दे देना चाहिए। क्लस्टर कंट्रोल लिंक से उसने इस पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया टूवर्ड्स ASA 1 जो कि ओरिजिनल ओनर है उस कनेक्शन का जिससे फर्स्ट टाइम ट्रैफिक गुजरी थी, वो ओनर था। जब ट्रैफिक वापस आई है दूसरे ASA पर, तो उसने फॉरवर्डर का रोल अदा किया है और उसने उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट किया है यहां से वापस। तो इस तरह हमारा थ्री वे हैंडशेक जो है वो इवेंचुअली मुकम्मल हो जाएगा। इसमें डायरेक्टर कहीं नहीं आया। डायरेक्टर कहां आएगा कि जब कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, फर्स्ट टाइम जब ये कनेक्शन वापस आएगा और फिर ये इवेंचुअली एक्ट दे देगा, दिस कनेक्शन इज फुली ओपन नाउ, तो ओनर डायरेक्टर के पास जाके इस कनेक्शन को रजिस्टर कर देगा, कनेक्शन रजिस्टर हो जाएगा। व्हाट इज कनेक्शन रजिस्टर? डायरेक्टर को पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कनेक्शन ASA 1 पर खुला है, ये इसके अंदर ये रिकॉर्ड आ जाएगा डायरेक्टर पे, और ये रिकॉर्ड इसमें कौन पंच करेगा? ये ASA 1 पंच करेगा थ्रू क्लस्टर कंट्रोल लिंक। सो डायरेक्टर वो डब्बा है जिसको हर वक्त पता होता है कि किस कनेक्शन का ओनर इस वक्त कौन है, क्योंकि ओनर्स खुद डायरेक्टर के पास जाके इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कराते हैं। अब नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल एक और ट्रैफिक इनिशिएट होती है, और जो नेक्स्ट ट्रैफिक इनिशिएट होती है फॉर एग्जांपल वो इसी रास्ते से जाती है और वो भी वापस आ जाती है ASA 3 पर, गई ASA 1 से वापस आ गई ASA 3 पे। अब इस ट्रैफिक के लिए जो कि ASA 3 पर वापस आई है, ये अगर तो सिन कुकी से पता लगता है तो उसको ये रीडायरेक्ट कर देगा वापस ASA 1 को, और अगर सिन कुकी नहीं है, फॉर एग्जांपल ये एक डेटा ट्रांसफर सेशन चल पड़ा है, रवान दवा है, और मिडल में उसके ट्रैफिक की जो कुछ कॉपी है वो ASA 3 पर आ गई, और ASA 3 को समझ नहीं आता कि ये मेरे कनेक्शन टेबल में तो नहीं है, तो ASA 3 डायरेक्टर को क्यूडी कर लेगा कि मुझे बताना इस कनेक्शन का ओनर कौन है। डायरेक्टर जवाब में बता देगा कि इसका ओनर जो है वो A1 है, सो लिहाजा ये कनेक्शन फिर से वाया क्लस्टर कंट्रोल लिंक A1 को दे दिया जाएगा जो कि उसका असल ओनर है। सो फॉरवर्डर का काम है कनेक्शन को ओनर के हवाले करना, यानी ये वो रॉन्ग ASA है जिस पर अगर कभी डेटा प्लेन में ट्रैफिक आ जाएगी तो ये उसको उसके ओरिजिनल ओनर को वापस करेगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि उसके साथ अडैप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिथम ने क्या करना है। फर्स्ट टाइम फॉरवर्डर जो है वो सिन कुकी से भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकते हैं ओनर को, बट अगर सिन कुकी वाला मरहला गुजर गया है, यू आर इन द मिडल ऑफ डेटा ट्रांसफर फेज, तो फिर रास्ते में अगर कोई ट्रैफिक डेटा ट्रांसफर की फॉरवर्डर पे आएगी तो वो फिर डायरेक्टर से पूछ लेगा कि भाई बताना ये कनेक्शन किसका है। डायरेक्टर फॉरवर्डर को बताएगा और फॉरवर्डर फिर उसको अकॉर्डिंगली उसके पर्टिकुलर ओनर के पास फॉरवर्ड कर देगा। सो ये इसका डेटा प्लेन जो है इसमें तीन किरदार इन कामों को सरंजाम दे रहे होते हैं, ओनर, डायरेक्टर, फॉरवर्डर। और इस पूरे सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि कितना हैवी लोड क्लस्टर कंट्रोल लिंक के ऊपर आएगा। सो एज अ रूल ऑफ थंब आपके जो डेटा प्लेन इंटरफेसेस की कैपेसिटी है अगर वो 10G के हैं तो आपका क्लस्टर कंट्रोल लिंक भी उतनी कैपेसिटी का होना चाहिए।
it should be equal capacity compared to your data plane interfaces, क्योंकि इसमें से traffic ने भी गुजरना है और control traffic ने भी गुजरना है. So यहाँ पर हमें owner, director और forwarder का explain किया जा रहा है.